हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ जलवायु और स्वास्थ्य समाधान भारत कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, सेकेंड ऑप्शन है विश्व बैंक, थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ जलवायु और स्वास्थ्य समाधान भारत कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली में जलवायु एवं स्वास्थ्य समाधान इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित है। नीति निर्माता, विशेषज्ञ और हितधारक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रणनीति विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। कॉन्क्लेव का उद्देश्य जलवायु लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना है। भारत जलवायु कारकों को स्वास्थ्य नीतियों और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में एकीकृत कर रहा है, जो विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में रहा जीवित पुत्रिका महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस भाग में मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका महोत्सव विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, सेकेंड ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी भारत में, थर्ड ऑप्शन है मध्य भारत में, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिमी घाट में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा जीवित पुत्रिका महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस भाग में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और पूर्वी भारत में। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बिहार में जीवित पुत्रिका उत्सव के दौरान पवित्र स्नान करते समय 37 बच्चों सहित कम से कम 46 लोग डूब गए। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग में मनाया जाता है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में। माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए 3 दिनों तक उपवास रखती हैं, दूसरे दिन सख्त निर्जला व्रत रखती हैं। यह त्यौहार राजा जीमूतवाहन की पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ है। यह शुद्धि स्नान से शुद्ध होता है और व्रत तोड़ने के साथ समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में नासा द्वारा चिन्हित कैल्डवेल 45 क्या है। व्हाट इज कैल्डवेल 45 रिसेंटली आइडेंटिफाइड बाय नासा। फर्स्ट ऑप्शन है सर्पिल आकाशगंगा, सेकेंड ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, थर्ड ऑप्शन है ब्लैक होल, फोर्थ ऑप्शन है एक्सो ग्रह।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में नासा द्वारा चिन्हित केल्डविल 45 क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हमारा ऑप्शन नंबर ए सर्पिल आकाश गंगा है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सर्पिल आकाश गंगा कैंडल वेल 45 का एक वीडियो साझा किया है। सर्पिल आकाश गंगाएं तारों और गैस का संग्रह हैं, जिनमें उनके केंद्र से फैली सर्पिल भुजाएं होती हैं। इन आकाश गंगाओं में युवा गर्म तारे होती हैं तथा ये अपनी सुंदर आकृतियों के लिए जानी जाती हैं। खोजी गई आकाश गंगाओं में से लगभग 60% सर्पिल हैं, जिनमें मिल्की वे भी शामिल हैं। सर्पिल आकाश गंगाओं में एक केंद्रीय उभार होता है, जो तारों की एक सपाट घूमती हुई डिस्क से घिरा होता है। वे अंडाकार और अनियमित आकाश गंगाओं से अलग हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 35th, सेकंड ऑप्शन है 36th, थर्ड ऑप्शन है 37th, फोर्थ ऑप्शन है 39th। बताइएगा फ्रेंड्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत का रैंक क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हमारा ऑप्शन नंबर डी 39th है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर है। यह मध्य और दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक वे स्थान पर है और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी एक वे स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में भारत 4वें स्थान पर है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में शामिल हैं। अमूर्त संपत्ति की गहनता में भारत 2015 में 81वें स्थान पर से बढ़कर 7वें स्थान पर है। GII वैश्विक नवाचार रुझानों का मूल्यांकन करता है, जिसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और UK वैश्विक स्तर पर नवाचार में अग्रणी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का मेजबान कौन सा देश है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2024? फर्स्ट ऑप्शन है म्यांमार, सेकेंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा का मेजबान कौन सा देश है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है ऑप्शन नंबर बी भारत देश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 14 से 24 अक्टूबर 2024 को भारत में आयोजित की जाएगी, जो ITU के 150 साल के इतिहास में देश के लिए पहली बार ऐतिहासिक घटना होगी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के दूरसंचार नेता और विशेषज्ञ एकत्रित होंगे, जो वैश्विक कनेक्टिविटी और नवाचार को बढ़ाने में दूरसंचार मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रमुख भारतीय शहरों में आउटरीच सत्रों का उद्देश्य छात्रों को शामिल करना और 5G और 6G जैसी भविष्य की तकनीकों के बारे में ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में 300 से अधिक नई नाजका लाइंस की खोज की है? इन विच कंट्री हैव साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड मोर देन 300 न्यू नाजका लाइंस?
फर्स्ट ऑप्शन है पेरू, सेकेंड ऑप्शन है चिली, थर्ड ऑप्शन है इक्वाडोर, फोर्थ ऑप्शन है ब्राजील। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में 300 से अधिक नई नाजका लाइंस की खोज की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेरू देश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने पेरू में 300 से ज़्यादा नई नाजका रेखाएं पाई हैं, जो ज्ञात भू आकृतियों से लगभग दो गुनी हैं। नई रेखाओं में मानवीय आकृतियां, जानवर, मछलियां, पक्षी, बिल्लियां और यहां तक कि एक चाकू पकड़े हुए किलर वेल भी शामिल है। नाजका रेखाएं 200 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच एक प्राचीन प्री इंकान सभ्यता द्वारा उकेरी गई बड़ी भू आकृतियाँ हैं। ये भू आकृतियाँ रेगिस्तान की सतह के कंकड़ हटाकर बनाई गई थीं, ताकि नीचे की हल्की मिट्टी दिखाई दे। लगभग 430 नाजका रेखाएं पहले ही मिल चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादातर पिछले 20 सालों में सैटेलाइट तकनीकी की मदद से मिली हैं। खोज की दर धीमी हो रही है, क्योंकि शेष आकृतियां इतनी धुंधली हैं कि उन्हें पहचानना आसान नहीं है। नाजका रेखाएं पहली बार 1920 के दशक में हवाई जहाज के यात्रियों द्वारा फिर से खोजी गई थीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में नागालैंड की किस नदी में ग्लाइप्टोस्टर्निन कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोय की खोज की गई है? रिसेंटली अ न्यू स्पेसीज ऑफ ग्लाइप्टोस्टर्निन कैटफिश एक्सटोमा सेंटियोनोय हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच रिवर ऑफ नागालैंड। फर्स्ट ऑप्शन है धनसिरी नदी, सेकेंड ऑप्शन है जुगकी नदी, थर्ड ऑप्शन है इजुलेके नदी, फोर्थ ऑप्शन है तिजू नदी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डजुलेके नदी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ग्लिप्टोस्टर्निन कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोय नागालैंड की एक जुलेके नदी में खोजी गई। इस मछली में अनूठी विशेषताएं हैं, जैसे उभरी दुम, पंख किरणों में जुड़ा एक वसा युक्त पंख, इसके पृष्ठीय पंख, रीढ़ पर ट्यूबरकल, एक पतला सिर, छोटी आंखें और 41 कशेरुकाएं। इसके पृष्ठीय और वसा युक्त पंखों के बीच भी लंबी दूरी है। शोधकर्ताओं ने इसे म्यांमार और थाईलैंड में पाई जाने वाली संबंधित प्रजातियों जैसे ई वर्ल्ड मोरी और ई गोलीगोंगोस से अलग किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 कहां आयोजित किया गया है? Where was the Global Aerospace Summit 2024 held recently? First option है पेरिस में, second option है अबू धाबी में, third option है न्यू दिल्ली में या fourth option है मॉस्को में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में Global Aerospace Summit 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अबू धाबी में आयोजित वैश्विक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन एरोस्पेस अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में स्थिरता, युवा जुड़ाव और नवाचार पर केंद्रित है। मुख्य विषयों में एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में प्रगति,
निवेश रणनीतियां और एआई और हाइड्रोजन संचालित विमान जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का एक एकीकरण शामिल है। उद्योग के नेता और सरकारी अधिकारी हवाई यात्रा और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के भविष्य पर चर्चा करते हैं, जिसके 2035 तक $1.8 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह कार्यक्रम एक अग्रणी एरोस्पेस हब के रूप में अबू धाबी की भूमिका और विमानन उद्योग के माध्यम से आर्थिक विकास में इसके योगदान पर जोर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा ऐतुर नागरम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऐतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा ऐतुर नागरम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दो चक्रवातों के टकराने से जुड़ी एक दुर्भ मौसमी घटना के कारण तेलंगाना के ऐतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य में बड़े पैमाने पर पेड़ गिर गए। यह अभयारण्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं के पास मुलुगु जिले में स्थित है। हैदराबाद निजाम सरकार द्वारा 1952 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। यह 806 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभयारण्य को दयाम वागु जल स्रोत द्वारा विभाजित किया गया है और गोदावरी नदी भी इसके माध्यम से बहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 24 सितंबर को, सेकंड ऑप्शन है 25 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 26 सितंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 27 सितंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 26 सितंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस स्वस्थ वायु, जल, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रमुख मुद्दों से निपटने तथा सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस साल की थीम है दोस्तों, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदायों का निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स, क्या थीम है इस साल की, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदाय का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ ने मानव स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण देखभाल के महत्व पर जोर देने के लिए 2011 में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।